और प्रदेश के दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर स्वाभिमान पदयात्रा शुरू की है। दिव्यांगों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पदयात्रा की है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से दिव्यांगों की मांग को लेकर चर्चा की गई है। पंचायत मंत्री ने शासन की ओर से दिव्यांगों से पद यात्रा को स्थगित करने का निवेदन भी किया है, जिसके बाद दिव्यांगों ने 3 महीने के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया है। दिव्यांगों का कहना है कि शासन की जो भी योजना चलाई जा रही है उससे दिव्यांगों को वंचित रखा जा रहा है। वहीं दिव्यांगों ने कहा कि 600 रुपये की पेंशन लेने के लिए 400 रुपये आने जाने में ही खर्च हो जाते हैं, इससे दिव्यांगों को लाभ कहाँ मिल रहा है। आज मैंने इन सबसे बात की है और निश्चित रूप से इनकी मांगों पे हम विचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दिव्यांगों को लेकर बहुत ही उनका हृदय जो है इनके लिए भरा हुआ रहता है और इनको मदद करने का पूरा उनके दिल के अंदर पूरा जज्बा है और उन्होंने ही मुझे आदेशित करके आज यहाँ भेजा है। इन सबके बीच में इनका ज्ञापन मैंने ले लिया है, आंदोलन स्थगित किया है 3 माह के लिए और इस तीन माह के अंदर हम इनकी मांगों पर जो नियम कायदे सब देखकर कौन सी मांगें पूर्ण की जा सकती हैं उस पर विचार करेंगे।